कांग्रेस नेता धीरज साहू के पास कहां से आए 300 करोड़। कांग्रेस नेता ने ही खोल दिए राज। चिराग ने किया कैसा करारा वार। नोटों से भरी इन अलमारियों और बैग्स ने सबको चौंकाया। क्या आईटी डिपार्टमेंट के अधिकारी और क्या इस केस से जुड़े लोग। अब चूंकि कैश का ये पहाड़ कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़ा है, ऐसे में काले कैश की इस कोठरी को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने इस मामले में अपना पल्ला झाड़ लिया है, वहीं झारखंड सरकार में मंत्री जो कि कांग्रेस नेता हैं बन्ना गुप्ता ने आईटी डिपार्टमेंट पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। बड़े भाई, उनके पिताजी, सब ये लोग खानदानी लोग हैं और एक बड़े व्यवसाय के बड़े घराना से इन सारे लोगों का ताल्लुकात है और सैकड़ों वर्षों से ये अपना बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं। अब ये जो पैसा है, ये पैसा किस परिपेक्ष का है, कैसा है, ये तो इनकम टैक्स वगैरह को क्लियर करना चाहिए। लेकिन ये पैसा ऐसा तो नहीं है कि ये पैसा कोई घूस का पैसा है या कोई इस टाइप का। यदि ऐसी बात है तो बातों को प्रमाणिक तौर पे आयकर विभाग को बताना चाहिए। अभी तो जांच हो रही है, जांच के क्रम में अभी क्या बोला जा सकता है। वहीं झारखंड के ही कांग्रेस नेता अविनाश पांडे भी राज्यसभा सांसद धीरज साहू पर आरोपों की पुष्टि न होने की बात करते हुए समर्थन में तो दिख रहे हैं, लेकिन साथ ही उनका ये भी कहना है कि ये धीरज साहू का निजी मामला है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। सर के पास से कैश में मिले 300 करोड़ रुपए, सर ये पैसे किसके, ये बीजेपी पूछ रही है। देखिए, जितने भी मीडिया में और हमारे विपक्ष द्वारा जिस प्रकार के भी आरोप लगाए जा रहे हैं, अभी तक किसी प्रकार से ना ही ऑफिशियली कोई पुष्टि हुई है। और एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, इसमें पार्टी ने बहुत ही स्पष्ट स्टैंड लिया हुआ है कि ये धीरज साहू जी का निजी मामला है, उससे कांग्रेस पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यवश जिस प्रकार से बयानबाजी शुरू है, इसके ऊपर में जब भी इनकम टैक्स जो भी ऑफिशियल डिपार्टमेंट है उसके पास में जो भी फाइनल इसके बारे में रिपोर्ट देगा, उसके बाद में धीरज साहू जी की ये जिम्मेदारी है कि वे स्पष्ट करें कि इतने बड़ी रकम उनके पास कैसे आई। कांग्रेस नेता अविनाश पांडे विपक्षी पार्टियों को लेकर ऐसा क्यों कहा है, इसके लिए आपको लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान का कांग्रेस नेता धीरज साहू के कैश कांड पर आए इस बयान से समझ में आ जाएगा। भाई, ये पुरानी परंपरा रही है विपक्ष के नेताओं की कि पहले तो भ्रष्टाचार करेंगे और उसके बाद अगर उसमें कोई पकड़ा गया तो उससे अपना पल्ला झाड़ने का काम करेंगे। बट बहरहाल, लिंक है नहीं है, ये तमाम चीजें जांच का विषय है और जांच में जो भी दोषी हैं कार्रवाई उस पर जरूर होनी चाहिए। कांग्रेस नेता धीरज साहू के ठिकानों पर 300 करोड़ का काला धन कहां से आया, इस पर ना तो फिलहाल आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई बयान आया है और ना ही खुद कांग्रेस सांसद धीरज साहू की तरफ से। ऐसे में इस मामले में राजनीतिक सरगर्मी बनना तो लाजमी है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने इस मामले से पल्ला झाड़ा है वो धीरज साहू के लिए शायद चिंता का सबब जरूर बना होगा। बहरहाल, इस कैश कांड में आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है, इसका इंतजार इस केस से जुड़े हर किसी को है। इस खबर में बस इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।